किधर? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन चीजें जो हर बिगनर को जिम ज्वाइन करने से पहले यूज करनी चाहिए। और हाँ, ये वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि मैं इसमें ऐसी बहुत सी जरूरी चीज बताने वाला हूँ जिसको मैं ताजमहल पर लिख कर दे सकता हूँ। तो पहली चीज, नो वन इज लुकिंग एट यू। जब भी आप जिम के अंदर एंट्री लेते हैं या कोई भी बिगनर जब भी पहली बार जिम के अंदर जाता है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि दूसरा कोई जिम का मुझे घूर रहा है, या मन में ये ना सोच रहा हो कि यार ये वजन उठाएगा, ये वजन इसको साला 4 दिन का चस्का है, आ जाते हैं जिम को भरने के लिए। सो ध्यान रखिएगा, कोई भी जिम करने वाला ऐसा कभी नहीं सोचता है कि आपको 4 दिन का चस्का है या फिर ये वजन, कोई भी ऐसा ही नहीं सोचता है। हाँ, 2 पल के लिए कुछ होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमको उस पर गौर बिल्कुल भी नहीं करना है। और तो और वहाँ पर सब फोकस्ड रहते हैं, वो जब करते हैं तो उनका ध्यान अपने सेट्स पर होता है, उनको टाइम देखना पड़ता है, वो सब मैनेज करते हुए चलते हैं, वो अपने रेशियो बनाकर जिम में एंट्री लेते हैं। सो आप ये फोकस रखिए कि कोई भी ऐसा नहीं सोचता है, आप जाइए अपना 100% उस जिम में दीजिए, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में ऐसा मन में लगता है कि हाँ यार वो क्या सोच रहा होगा, हाँ यार ये वो, सो नो नीड टू थिंक अबाउट दैट मच। सो एंड अगर कुछ होते भी हैं जो सोचते हैं कि ऐसा वैसा करके, उतना ध्यान मत दें। आप सिर्फ इतना सोचें कि मैं आया हूँ, मुझे 45 मिनट से 1 घंटा वर्कआउट करना है और उसके बाद मुझे निकल जाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1,000, और बाकी अपने हिसाब से जोड़ लो 1,000, 2,000, 3,000। दूसरी चीज़, ट्राई टू आस्क टू द सीनियर ऑफ द जिम। मतलब जब भी आपको कुछ पता ना हो तो आप कृपया कर अपने जिम के सीनियर से, जो पहले से आ रहा है, जिसको नॉलेज है, उससे एक बार पूछ लें। क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं जिम गया हूँ, बहुत से लोग बस आते हैं यार, मतलब इतना रहता है कि एंट्री लेते हैं, वार्म अप तक नहीं करते हैं, कुछ होते हैं वार्म अप करते हैं, कुछ वार्म अप तक नहीं करते हैं, और गलत सलत करना चालू, अपनी बॉडी को नचाते हैं एंड मसल्स को वहीं रखते हैं, बिल्कुल नाच रही है बॉडी, लगे हैं बिल्कुल झूले पड़े हैं, झूले पड़े हैं। सो यार देखो, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, भाई देख, मानता हूँ कि बॉडी तेरी है, लेकिन यार ऐसे करेगा तो तेरे तो एल लग जाएंगे मसल के, मतलब तेरे तो लगेंगे ही ना। सो कोशिश करो कि अपने विसिनिटी या आस पास में जो भी आपका सीनियर हो, उनसे आप थोड़ा पूछ लें कि आप मेरे को कितने सेट्स मारूं, मैं कितने एक्सरसाइज करूं, किस मसल ग्रुप के लिए कितनी एक्सरसाइज करूं, कंपाउंड जो बड़ी मसल्स होती हैं उसके लिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं, मतलब उनको हैवी वेट्स मारना पड़ता है, तो उनसे पूछो कि मैं क्या करूं, छोटी मसल में मैं कितनी एक्सरसाइज करूं, बड़ी मसल के लिए मैं कितनी एक्सरसाइज करूं। सो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। सो आप अपना ईगो बीच में नहीं रखा करो, नहीं यार मैं तो नहीं पूछूंगा, मैं यूट्यूब से भले ही देख लूंगा लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, घंट मेरा बाप का पैसा लग रहा है भाई, मैं तो किसी से नहीं पूछूंगा। सो ट्राई टू कीप योर वर्स्ट ईगो असाइड, एंड बॉडी बनानी है तो सबसे पहले आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, जो कि जिम के अंदर बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल होता है। तीसरी चीज़ ये है कि ब्रिंग दी आउटपुट, अदरवाइज डोंट वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन टेकिंग मेंबरशिप्स ऑफ द जिम। क्योंकि यार जब भी हम जिम जाते हैं तो यार आउटपुट निकलना तो ज़रूरी है। सो जिम ऐसे करो, वर्क हार्ड आप अपना ऐसे करें कि आपका जो आउटपुट है वो अच्छा निकले। क्योंकि क्या होता है, जब हम जिम के बाहर निकलते हैं हमें टाइम हो जाता है, मैंने भी ये चीज़ फेस की है, जब हमें टाइम हो जाता है सो क्या होता था कि बाहर निकलो, या हमारे साथ के दोस्त थी कोई भी हो, दे मतलब उनको रिजल्ट चाहिए, आप कब से जिम कर रहे हो, कैसी मेहनत लगती है, उनको उनसे मतलब नहीं है, लेकिन आप उनको रिजल्ट चाहिए। सो यार मानो या ना मानो यार, बहुत गंदा चुभता है यार, मतलब कोई लड़की धोखा दे के चली आती है वो तो एक अलग ही मैटर हो जाता है, लेकिन यार जिम जाओ, इतनी मेहनत करो, खाओ पियो, लेकिन कोई छोटी मोटी चूक से अगर हमारी बॉडी डेवलप ना हो या गेंस ना मिले तो बहुत गंदा चुभता है यार, मतलब उसका दर्द अलग ही होता है, मतलब एक टाइम पे हम थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग इरिटेट होने लगता है।
जिम जाओ, आप वर्क हार्ड, और जो भी मैंने आपको अब पिछले दो पॉइंट्स बताए हैं उस पर आप फोकस करें, क्योंकि ये जितने भी बिगनर्स होते हैं जिम के उन सब को प्रॉब्लम जाती है। सो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें और जिम जाएं, बिल्कुल अपना ईगो साइड रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से भी पूछें, और तो और आप मेहनत करें, आपको डाइट पे फोकस ही भी बहुत अच्छे से करना है। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा देता हूँ, और हाँ यार आपको मैं एक चीज़ बताना भूल ही गया, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उस पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ, जिस पर बहुत से यूट्यूब ने वीडियो बनाया तो है, लेकिन इसमें मैं बहुत ही डीप सर्च, जो मेरे को काफ़ी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा जो मेरे को नॉलेज है उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो पर लाने वाला हूँ। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जो भी बिगनर्स चालू करते हैं या थोड़े बहुत जो पुराने भी जाते हैं उनको काफ़ी जिम करने का बाद भी ये रहता है कि यार क्या करना है, मतलब गेंस तो लॉस नहीं होंगे उस चीज़ से, इसलिए अवॉइड करूँ या क्या करूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब के मंदिर का घंटा ज़रूर बजा देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियोज़ डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो बाय।